मार्कशीट दूसरे राज्य का है, पासपोर्ट कैसे बनेगा, क्या हमारी मार्कशीट को वहाँ पर रख लेंगे? बहुत सारे लोगों का ये एक सिमिलर कमेंट था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। क्या देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि मैं असम साइड से हूँ या फिर मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं दिल्ली से बनवा रहा हूँ पासपोर्ट, तो मार्कशीट हमारी, मतलब एट द एंड मार्कशीट हमारे दूसरे राज्य की और हम किसी और राज्य से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो क्या वहाँ पर हमारी मार्कशीट को ले लेंगे, और अगर हमारी दूसरे राज्य की मार्कशीट है तो हमारा पासपोर्ट बन पाएगा? आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हम दूसरे राज्य में हमारी मार्कशीट दूसरे राज्य के, तो दूसरे राज्य से अप्लाई कर सकते? तो जी हाँ, मार्कशीट का कोई इशू नहीं है। आपका ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से आपकी मार्कशीट हो, ओरिजिनल है, तो आप कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते मार्कशीट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो वहां पर जो आपका दस्तावेज लगेगा, जहां भी जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहां का दस्तावेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। जैसे एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ये सारे दस्तावेज आपके होने चाहिए, और आप मार्कशीट आपका किसी भी स्टेट का हो, ओरिजिनल है, तो वो चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दूसरा एक जो डाउट था कि क्या मार्कशीट को हमारे जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर ले लेंगे, तो इसका साफ सीधा मैं बताऊँ, नहीं, कोई भी आपसे मार्कशीट नहीं लेगा। बहुत सारे लोगों से ये पूछ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमसे मार्कशीट ले रहे हैं, ये है वो है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी यूपी से हूँ और मैं मऊ से हूँ, मऊ डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैंने अपना जो पासपोर्ट बनवाया सूरत से, गुजरात में, सूरत गुजरात से बनवाया, और यहाँ पर जब मैंने अपनी पासपोर्ट बनवाया तो मैं अपना 10th का ही मार्कशीट लगाया, और वहाँ पर जब पासपोर्ट अप्लाई करा था वहाँ गया, सारे दस्तावेज लिख गया, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और अपना मार्कशीट लिख गया, अपना एड्रेस प्रूफ में घर का लाइट भी लिख गया, बस इतने दस्तावेज मैं वहाँ पर लेके गया। वहाँ जाने के बाद पासपोर्ट ऑफिस, मेरा आधार कार्ड चेक करा गया, मेरा एड्रेस प्रूफ में लाइट बिल चेक करा गया, और मेरा जो है ये अपना ये चेक करा गया, अपना मार्कशीट चेक करा गया, तो मार्कशीट को वो लेते हैं, वहाँ पर लेते हैं मार्कशीट को, लेते हैं वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने मार्कशीट में डिटेल है और आपने जो पासपोर्ट अप्लाई करा है तो उसमें जो डिटेल है, आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है, ये सारे जो आपके डेटा है सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं, आपके नाम, आपके फादर के नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें उसमें सेम है, सिमिलर है कि नहीं। अगर सारी चीजें सिमिलर होती है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो है वो आपके मार्कशीट को आपको रिटर्न कर देते हैं। अगर कोई इश्यू भी होता है तब भी वो आपके मार्कशीट को आपको रिटर्न कर देते हैं, और वहां पर आपको बोलते हैं, अगर देखिए मार्कशीट में कुछ नाम अलग हो गया और सारे दस्तावेज में नाम थोड़ा नाम सिमिलर है बस मार्कशीट में अलग है, तो इस कंडीशन में आप वो बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दो या फिर गैजेट बनवाओ, तो ये चीजें करना पड़ता है। लेकिन आपसे मार्कशीट नहीं लिया जाता है, वो लोग आपसे मार्कशीट नहीं लेते, अपने पास नहीं रखते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आप जाओगे पासपोर्ट ऑफिस तो आपसे मार्कशीट ले लेंगे। नहीं, बस आपकी मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है तो बहुत ही जल्द आपका पासपोर्ट आ जाएगा। लेकिन मार्कशीट में थोड़ा बहुत भी उनको अगर डाउट लगा पासपोर्ट ऑफिस वालों को, तो वो आपकी मार्कशीट को बोर्ड के पास भेज देंगे वेरीफाई करने के लिए क्या आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। अब वेरीफाई करने के लिए अगर वो बोर्ड के पास भेज देते हैं तो कभी कभी 15 दिन में वेरीफाई हो जाता है, कभी महीने में हो जाता है, कभी 2 महीना 4 महीना भी लग जाता है वेरीफाई होने में, तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता 2-3 महीना हो गया, तो आप एक काम कर सकते हो, जाके फाइल को क्लोज करके आप दोबारा से जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस प्रोसीजर को आप कम नहीं कर सकते। मार्कशीट का इशू आया तो वो जो उनका प्रोसीजर वो अपने ही तरीके से जो है इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज की इस वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि आज की इस वीडियो में आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं। बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों का कमेंट था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मार्कशीट कौन से स्टेट की होनी चाहिए, फिर हम दूसरे राज्य से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस जहां से भी आप अप्लाई करोगे, जहां का एड्रेस प्रूफ होगा वहीं पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।